हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जैसे कि माइक्रो फाइनेंस में 2010 से कार्य कर रहा हूँ और अपनी जो बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। जब मैंने ज्वाइन की थी तो उस टाइम माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत थी और इस टाइम माइक्रो फाइनेंस एक अपने अलग पीक पर है, अलग पीक पर है। जैसा कि आप लोगों को सभी पता है कि माइक्रो फाइनेंस एक ग्रोथ इंडस्ट्री है। इसमें अपना जो भी कैरियर है वो सभी लोग अपना कैरियर शुरुआत से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप शुरुआत में हो तो एक अच्छे ड्रीम के साथ आप कार्य करें, जिससे क्या है कि एक अपना लक्ष्य बनाएं। जिससे क्या होता है कि जब अपन लक्ष्य बनाते हैं तो उसको पाने की तमन्ना रहती है, तमन्ना रहती है तो उसको हम जो जो अब अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपन जो सही मार्गदर्शन है वो हमें अपने जो सीनियर है उनसे लेना चाहिए। वो किस तरह से आपको गाइड करते हैं, उन्होंने जो फेस किया है अपनी अपनी जो टाइम में, वो आपको वो सिखाते हैं। उसे सीखने से ही जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतनी अपनी फील्ड में ग्रोथ कर पाओगे। इससे क्या होता है कि जब आप फील्ड में ग्रो कर पाओगे तभी आपका जो कैरियर है वो अपने जो कैरियर है वो एक अच्छी अलग और दिशा में जाएगा। अलग और जो ग्रो है वो आपका अच्छा होगा, जिससे क्या है कि आप अपने फील्ड है उसमें आप तरक्की कर पाओगे। तरक्की से क्या है कि जो सक्सेस होती है वो कर पाओगे, सक्सेस वो कर पाओगे। आप अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जब माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन किया था उससे पहले एक मैं पढ़ाई चुनने पढ़ाई करने के बाद मैं चाहता था कि मैं घर से बाहर जाके जॉब करूँ, मगर मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे मैं कोई ऐसा रिलेटेड नहीं था जो मेरे को बाहर भेजने। फिर मैंने क्या किया कि मैं एक नोएडा कंपनी में माइक्रो फाइनेंस, एक नोएडा कंपनी थी सॉफ्टवेयर डिस कंपनी, जो डिस बोलते हैं, जैसे डिस बोलते हैं, वो कंपनी थी। उस कंपनी में मैं जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद मैंने 2.5 से 3 साल काम किया उसमें। उसके साथ साथ कंप्यूटर सीखा। उस टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी था। जब मैंने वो सीखा उसके साथ टैली की बेसिक सीखा, टैली की टैली करने के बाद मैं नौकरी के साथ साथ वो भी करता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कंप्यूटर की जॉब करूँ। जॉब करने के लिए मैंने जो एक दो जगह प्लेसमेंट में गया, वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मैं गया, एक कंपनी थी उसमें इंटरव्यू दिया, मगर मेरे को नहीं लगा कि हाँ। फिर मैंने वहाँ पे ही एक विकास भवन में जो फॉर्म फिलअप होते थे आईटी की, आईआईटी के, मेडिकल के, जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म हुआ करते थे, वो मैं उसको डाउनलोड करता था। डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करके वो भेजता था। डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर डाटा भेजता था, डाटा एंट्री का काम करने का। 2.5 से 3 महीने 4 महीने वो मैंने किया। उसके बाद मुझे वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक दो जगह और ट्राई किया। ट्राई करने के बाद मैंने देखा कि माइक्रो फाइनेंस एक ग्रोथ इंडस्ट्री मार्केट में पनप रही है। तो मैंने एक सेटिन कंपनी का नाम सुन रखा था उस टाइम, कि सेटिन नाम की कंपनी है, वो ग्रोथ कर रही है। उसमें जो भी लोग कर रहे थे, मेरा फ्रेंड वगैरह शेखर नाम का था, वो शेयर माइक्रो फाइनेंस में काम करने लग गया था। और उसने 2 से 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में ही, मतलब उसने प्रमोशन ले लिया था, ब्रांच मैनेजर बन गया था। और भी एक दो भाई थे जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं करूं, जब मेरे पास कोई साधन नहीं था, ना फील्ड का अनुभव था, ना कोई साधन था, ना बाइक था, ना मोबाइल था। उस टाइम मोबाइल और बाइक बड़ा महंगा मिलता था। मोबाइल लेना एक बहुत ही जरूरी काम हो गया था, जरूरी चीज हो रही थी। उन्हीं लोगों के पास मोबाइल मिलता था जो
कोई जॉब करता था कोई, क्योंकि उस टाइम कॉल रेट मोबाइल रखना भी एक बहुत खर्चे का काम था। तो मैंने क्या किया कि उसको मैं वहाँ पर चला गया, पहले मेरी पोस्टिंग